नमस्कार, एचडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि। वक्त हो चला है टॉप 10 खबरों का, तो आइए शुरू करते हैं 10 बड़ी खबरों का सफर। पिछले 15 साल के दौरान बिहार के विकास की गाथा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी को ऑनलाइन बताएंगे। इसे अमेरिका समेत दुनिया के सभी लोग सुन सकते हैं। बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका और न्यूयॉर्क स्थित कंसल्टेंट जनरल ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में भारतीय समय अनुसार सुबह 9 बजे से 10 बजे तक मुख्यमंत्री का संबोधन होगा। इसमें शामिल होने के लिए जूम ऐप का उपयोग किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री पहले के अशांत बिहार से लेकर मौजूदा समय के विकासयुक्त शांत बिहार बनाने तक के सफर का चित्रण प्रस्तुत करेंगे। इसी क्रम में उनका संवाद विदेशों में रह रहे कुछ बिहारियों से भी होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि नीतीश उनसे बिहार में निवेश करने की अपील भी कर सकते हैं। यह जानकारी जदयू नेता संजय कुमार झा ने ट्वीट करके दी है। बिहार में आरजेडी नेता व बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्टी के आगे के रोड मैप को लेकर चर्चा हुई। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल को हमेशा बढ़ाए रखा जाए, उनकी किसी भी स्तर पर उपेक्षा नहीं की जाए। कार्यकर्ता ही पार्टी के नींव होते हैं। उन्होंने पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि सिर्फ चुनाव के समय सक्रिय होने से काम नहीं बनेगा। पार्टी कार्यकर्ताओं को हमेशा लोगों के संपर्क में रहना होगा। लोगों की समस्या को समझकर इसे पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाएं और समस्या का हल खोजकर इसके निदान की दिशा में भी कार्यकर्ता अपनी अहम भूमिका निभाएं। लोगों का दिल जीतकर लोगों को पार्टी के निकट लाएं और उन्हें पार्टी से जोड़कर पार्टी को मजबूत करें। बिहार महिला कांग्रेस की अध्यक्षा अमिता भूषण ने सोमवार को अपनी ही पार्टी को बिना साबुन बिना पानी पूरी तरह से धो दिया। मौका था प्रभारी के साथ पहली मुलाकात का, लेकिन बिहार में कांग्रेस ने महिलाओं और कार्यकर्ताओं के साथ क्या क्या किया, अमिता भूषण ने पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी। इसकी उम्मीद नए प्रभारी भक्त चरण दास को भी नहीं होगी। आमतौर पर शांत दिखने वाली बिहार महिला कांग्रेस अध्यक्षा अमिता भूषण सोमवार को फूट पड़ी। नए प्रभारी भक्त चरण दास पहली बार बिहार पहुंचे थे। उन्हें उम्मीद थी कि कार्यकर्ताओं ने थोड़ी नाराजगी के बाद भी सब कुछ भूल गए होंगे, लेकिन जिस तरीके से अमिता भूषण ने अपनी ही पार्टी की कार्यशैली की पोल खोली, उसके बाद अब कई तरह के चर्चाओं का बाजार गर्म है। कि आप लोग अगर बुरा नहीं माने तो मैं कुछ महिला मतदाता क्यों वोट देगी कांग्रेस को, पहले आप इसका जवाब दे दीजिए तो मैं इसका जवाब आपको दे दूंगी। क्या चाहे मंच हो या नीचे हो, महिला एक समय में यहाँ पे बहुत ज्यादा हुआ करती, क्योंकि महिलाओं को कांग्रेस अपने हिस्से से निकालती जा रही है, तो महिला क्यों वोट देगी कांग्रेस पार्टी को? और इनके किस आंदोलन के लिए, किस अगर आंगनबाड़ी सेविका आशा बहु ऐसी कई महिलाओं से जुड़ा हुआ शिक्षक होता हो जिनके लिए हम ना वो सवाल होती है, कौन सा डेलीगेशन हो सकता हो, एक टीम अपने नेतृत्व के लिए अपने अपने क्षेत्र में चले जाते हैं, लेकिन बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी से किस महिला को उस महिला मुद्दे को लेकर के उनके बीच में भेजा गया? आप जाइए, आप क्योंकि अकेले अगर हम चले जाएंगे उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अब राजनीति तेज हो गई है। पार्टी के नेता रामसेवक सिंह ने कहा है कि पार्टी के इस निर्णय से लव कुश समीकरण और मजबूत होगा। पिछड़ा अति पिछड़ा दलित वोट को मजबूती देने के लिए पार्टी की ओर से जो निर्णय लिया गया है वह स्वागत योग्य है। वहीं राजद नेता शक्ति यादव ने कहा है कि जदयू हमेशा जात पात करती है, यह पार्टी जाति से कभी ऊपर उठ नहीं सकती। जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है उनके बारे में क्या नहीं पता, उमेश कुशवाहा तो मछुआरों के हत्यारे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रही है, लेकिन वह इतना जरूर कहती है कि जदयू मजबूत होने से एनडीए भी मजबूत होगा। और बिहार में कोरोना का टीकाकरण को लेकर लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य में 300 स्थानों पर कोरोना टीकाकरण अभियान प्रारंभ होगा। इसमें राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में 300 चिन्हित स्थानों पर 16 जनवरी से टीकाकरण का कार्य प्रारंभ होगा। उन्होंने बताया कि 300 स्थानों का चयन किया गया है। उसमें सभी 9 सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, निजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल और 208 प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी शामिल हैं। इसके अलावा कुछ निजी संस्थानों को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि राजधानी सहित राज्य के सभी प्रखंडों में चयनित स्थानों पर प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती कर दी गई है।
और इधर बिहार के पूर्व कृषि एवं मत्स्य संसाधन मंत्री सह बिहार विधानसभा के याचिका समिति के सभापति डॉक्टर प्रेम कुमार का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है। किसी हैकर ने उनके फेसबुक अकाउंट को हैक कर गलत फोटो एवं गलत सूचनाएं डाल दी हैं। हालांकि इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। बता दें कि पुलिस को दिए गए आवेदन में कहा गया है कि उनकी छवि को खराब करने के लिए किसी प्रोफेशनल हैकर ने आईडी को हैक कर लिया और उस पर मेरी तस्वीर को हटाकर किसी अनजान महिला की तस्वीर को दर्शा दिया गया है। मुझे जब कुछ परिस्थितियों की जानकारी मिली तब मैंने इस घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को दी। हालांकि पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। फिलहाल पूर्व मंत्री अपने आईडी से किसी भी प्रकार का अपडेट नहीं कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार शरीफ के गढ़पर और पावापुरी के पोखरपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने जदयू नेता स्वर्गीय ठाकुर श्यामनंदन सिंह के साधक्रम और पूर्व एमएलसी कपिल देव सिंह के साधक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू नेता ठाकुर श्यामनंदन सिंह, पूर्व विधानसभा पार्षद कपिल देव सिंह के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित की। सीएम नीतीश कुमार ने इस दौरान परिवार वालों से मिलकर उन्हें सांत्वना दिया। आपको बता दें कि जदयू नेता स्वर्गीय ठाकुर श्यामनंदन प्रसाद सिंह जदयू के वरिष्ठ नेता के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और वह हमेशा नीतीश कुमार के शुरुआती दौर से ही करीबी रहे। बताया जाता है कि दिवंगत नेता चंदन सिंह नीतीश कुमार काफी करीबी भी माने जाते थे। इधर पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के हाजीगंज स्थित इलाके में लगातार 8 बाइक वाक के हवाले करने वाले गिरोह के एक शातिर सदस्य को पुलिस ने धर दबोचा है। वहीं एक अन्य सदस्य मौके से भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। दरअसल हाजीगंज इलाके में लगातार बाइक को वाक के हवाले किए जाने के बाद जहाँ पूरे इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया था, वहीं इस घटना ने पुलिस की भी नींद उड़ा रखी थी। पुलिस का मानना है कि अलग अलग स्थान पर बाइक जलाने की घटना को लेकर पुलिस की टीम अपनी अपराधियों की गिरफ्तारी में जुटी थी। इसी दौरान बाइक को आग लगाते समय एक सनकी गुड्डू चौधरी को लोगों ने पकड़ लिया और जमकर धुनाई की। साथ ही पुलिस को भी सूचना दी गई, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने उस सनकी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार अपराधी से कड़ी पूछताछ कर घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है, साथ ही साथ उसके साथियों की भी तलाश कर रही है। सामाजिक तत्वों के द्वारा गाड़ियां जलाई गई थी। कल रात में भी ऐसा प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। जलाया जा रहा था दो असामाजिक तत्वों के द्वारा, जिसमें से एक को पकड़ ठीक है ना, उसको पकड़ कर बताया गया दो आदमी थे। हाँ, दो आदमी थे, एक पकड़ लिए गए हैं, दूसरे को पकड़ने के लिए। क्या ये सर गिरोह इस तरह का काम कर रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा पूछताछ से पता चला है कि ये गजेरी है, साइको टाइप का लगता है, वही का रहने वाला है गली में। और खबर गिरिडीह से है। गिरिडीह में बंगाल नंबर की मारुति वैन से भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस निरीक्षक परमेश्वर तियांगी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बंगाल से झारखंड के तीसरी होते हुए बिहार तक एक मारुति वैन में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब लोड कर लाया जा रहा है। सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान मारुति सुजुकी वैन में लोड अंग्रेजी शराब को बरामद कर लिया गया। वहीं पुलिस ने वाहन पर सवार बिहार के गिरधौर जिले जमुई के दो लोगों को भी गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। फिलहाल पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है। थाना में गुप्त सूचना मिला कि एक बंगाल नंबर के मारुति वैन में विदेशी शराब काफी संख्या में लेकर के चंदौरी की ओर ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर थाना प्रभारी सीतू प्रसाद और साधन कुमार द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए पलमरवा के पास उक्त मारुति को पकड़ लिया गया है। सर्च अभियान के दौरान काफ़ी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुआ है। मैकडोवल 192 पीस, इवनिंग मूवमेंट 36 पीस, कुल 228 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई है। दो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, सोनू कुमार पासवान और मनीष कुमार पासवान, दोनों गिदौर जमुई के रहने वाले बताए जाते हैं। पूछताछ करने पर बताया गया कि ये लोग बंगाल बॉर्डर से लेकर के आ रहा है और बिहार की ओर ले जा रहा है।
अगली खबर गया से ही है। बिहार के गया से 5 शातिर अपराधियों को गया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 5 मोटरसाइकिल और कई मोबाइल बरामद किए गए हैं। हाल के दिनों में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं से पुलिस परेशान थी। गया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अपराधियों के ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें कई मोटरसाइकिल और 5 अंतर जिला मोटरसाइकिल चोर के गिरोह के सदस्यों को भी गिरफ्तार करने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। गया के सिटी एसपी राकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इन अपराधियों पकड़े जाने से कई अहम सुराग मिलने की संभावना है। गुप्त सूचना के आधार पर किरानी घाट पुल के पास से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके निशानदेही पर अलग अलग जगह से चोरी के 5 मोटरसाइकिल बरामद की गई है और फिर उनके दो लोग फर्दर इनके टिप पे इनके आधार पर हमने सूचना के आधार पर 2 लोगों को मोटरसाइकिल गिरफ्तार और भी किया है। 2 लोगों को टोटल हमने 5 गिरफ्तारियाँ हुई हैं। इसमें मोहम्मद मुदस्सिर, ये पिता है मोहम्मद मुश्ताक आलक, ये पंचायत खड़ा रहने वाला है। दूसरा है मोहम्मद आफ्ताब, पिता राशिद आलम, साकिन ये मस्जिद गली पंचायत खड़ा है। शाह हुसैन उर्फ बाबा, पिता है मोहम्मद जमालुद्दीन, ये भी पंचायत खड़ा रहने वाला है। मोहम्मद तबरेज़, पिता है मोहम्मद ग्यासुद्दीन, ये शेरपुर तनचंदौती थाना रहने वाला है। मोहम्मद रागीब आलम, ये पिता मोहम्मद खाजे, ये शेरपुर थाना चंदौती रहने वाला है। इनके पास से 5 मोटरसाइकिल बरामद हुई है और 5 मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए हैं। जैसा कि आप लोग याद होगा, पिछले कुछ दिनों से अचीवमेंट्स हुई हैं, उपलब्धियां हुई हैं। रामपुर थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी वाहन के एक गैंग को उद्भेदन हुआ था और फिर यहां पर भी है। ये लोग जनरली यहां से मोटरसाइकिल चोरी करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भेजते हैं और फिर उन चोरी के मोटरसाइकिल्स का अवैध तस्करी में और अन्य अपराधों में इस्तेमाल किया जाता है अपराधकर्मियों के द्वारा। टॉप 10 खबरों में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में हाजिर होंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए SDF न्यूज। नमस्कार।